अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका खादिम मोहम्मद जावेद कोडू। मैंने इस फन अदाकारी में 37 साल गुजारे हैं और मेरी एक टांग में फालिज है, एक टूटी हुई है, ब्रेन हेमरेज है, दिल का अज़ा है और जनाब मेरा ऑपरेट हुआ है, बड़ी आंत फट चुकी है। तो मुझे ये 5 मरले के घर में, जो कि मैं अपने अम्मी अबू के घर में रहता हूँ, तो मुझे सुई गैस का बिल 15,000, 13,000, 14,000, 21,000, अब 24,000 आ गए। ये मुझे इनाम देना चाह रहे हैं, ये इनाम होता है बीमारी का, बजाय ये इसकी हेल्प करने के उसको और मारना चाहते हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम चाहते हो ना कि हुकूमत तुम्हारी है तो ये भूल जाओ, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, नबूवत सिर्फ सरकारे रहमत अली आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तुम्हारी सिर्फ ड्यूटी लगी हुई है। अगर तुम लोगों ने अच्छे काम किए तो दुआएं ले लोगे, अगर तुम लोगों ने अच्छे काम ना किए तो जो कुछ हो रहा है बद दुआओं के साथ ये और होगा, जो तुम्हारी कब्रों में भी जाएगा। मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैं दिल से बद्दुआ दे रहा हूँ तुम लोगों को। मुझे सता के रख दिया तुम लोगों, 6 महीने से मैं घर में बैठा हूँ, मैं 4 साल से बीमार हूँ, मुझे ये इनाम दिया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए कुछ। तुमसे तुम्हारी हुकूमत, जो कहते हो कि हमारी हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत से पहले लोग अपने घरों में नहीं रहते थे, तुम्हारे से पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, तुम्हारे पहले गाड़ियों में नहीं आते थे, तुम्हारे पहले कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी हुकूमत। याद रखो, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की, ना तुम अल्लाह से छुप सकते हो ना भाग सकते हो, और जाना भी अल्लाह के पास है। किस मुंह के साथ सरकारे रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुंह दिखाओगे कि हमने अवाम को इतना दंग किया, अब आप हमारी सिफारिश करें, शर्म आनी चाहिए।